नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एएस मैथ्स अकेडमी। मैं आपका दोस्त अरविंद सुमन। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ परसेंटेज शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों, ये परसेंटेज शॉर्ट ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ मैं आपके लिए, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। और दोस्तों, ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज की, ये सभी प्रश्नों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्नों के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप इसको मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है, परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक है। उसके बारे में पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी बता दूं कि दोस्तों, एक चार्ट है, जो चार्ट मैंने तैयार किया है कि ये इक्वल 100% होगा, 1/2 बराबर 50% होगा, 1/3 बराबर 33, सही 1/3% ऐसा होगा। ऐसा भी फाइंड आउट कर लिए दोस्तों, और इनको फाइंड आउट कैसे किया वो मैं बता देता हूं आपके लिए कैसे किया। दोस्तों, जैसे एक लिखा, एक का 100%, क्लियर, 1/2 लिखा, तो इसके लिए निकालना 1/2 इंटू में 100, 2 बन जाए 2, 2 5 जाए 10, यानी बराबर में आ गया 50%। इसी प्रकार 1/3 का परसेंटेज निकाला, 1/3 इंटू 100 इक्वल में आएगा दोस्तों 33, सही 1/3। ये परसेंटेज में ऐसे सभी को कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, इसी प्रकार मैंने 1 से लगा के 12 तक निकाल लिए, और जो जरूरत थी उनको भी निकाल के बताया है। तो आपको इस प्रकार से सभी परसेंटेज याद कर लेना है। अब आपको बता दूं कि जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इस शॉर्ट ट्रिक के लिए हम दो चीजों में, यानी दो प्रकार के क्वेश्चन में ही इस ट्रिक को यूज करेंगे। पहले कि जहां दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और उन गुणनफल में हमें ये पता हो कि कमी और वृद्धि, जहां हमारे लिए कमी दी गई हो वहां वृद्धि निकालना है, और जहां वृद्धि दी गई हो वहां दोस्तों आपको कमी निकालना है। ये चीज आपको बड़े ध्यान से देखना है। यदि आपके लिए किसी जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रतिशत की कमी दी गई, यदि आपके लिए दोस्तों कि प्रतिशत की कमी दी गई, यदि प्रतिशत की कमी दी गई है आपके लिए, तो ध्यान रखना, आपको प्रतिशत की कमी दी गई तो आपको वहां पे वृद्धि निकालना है, यानी वृद्धि बराबर क्या होगा। यदि आपके लिए प्रतिशत की वृद्धि दी गई तो आपको प्रतिशत की वहां पे कमी निकालना है। इतनी बात आपको क्लियर पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस विधि का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है दोस्तों कि एक अधिकारी के वेतन में, यानी एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब क्वेश्चन को समझना, ये बोल रहा है 20% की वृद्धि कर दी गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा। समझ गए दोस्तों, अब बोला प्रतिशत कम करना, यानी वृद्धि आपको दी गई है तो आपके लिए इधर पे कमी आपको निकालना है। अब वो कमी कैसे निकालना है ध्यान से देखना। मैंने बोला 20% की वृद्धि, अब 20% की जब वृद्धि हो रही है तो नॉर्मल सी बात है कि आपको कमी निकालना, यानी 20% से कम, यानी यहां पर आपका 20% से कम है, यानी 20% से आपको कम निकालना। तो 20% से कम क्या है आपका, देखो चार्ट में देख लेते हैं, जो चार्ट मैंने बनाया, यानी आपका ये 20% है, इस 20% से कम क्या है, 16 सही 2/3, ये 20% से कम है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर क्या होगा, 16 सही 2/3, ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, यानी वृद्धि आपको दी गई है तो कमी निकालना है, और कमी दी गई है तो वृद्धि निकालना, ये इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यानी ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अब समझना, ए का जो वेतन है उस बी के वेतन से 30% अधिक है। अब ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत की कमी क्या है, अब आपको इधर पे कमी फिर बतानी है। जब आपको कमी बतानी है दोस्तों, तो लेकिन एक बात है कि 30% से अधिक है तो इसकी कमी 30% से अधिक कितनी होगी, 30% की अधिक है और इसमें कमी निकालना है, तो 30% के लिए देखो कैसे बताएंगे, आपको चार्ट में फिर देख लेते हैं अपन दोस्तों। चार्ट में देखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, 30% से कम, 30% से कम क्या होगा, देखो इधर आपका दिया 20%, समझना, और यह दिया आपका 25%, और 25% से अधिक जरूरत है और 30% से आपको कम, तो 30% से कम होने के लिए मैंने देखो इधर पे एक आपके लिए जिसकी जरूरत थी मुझे वो मैंने यहां पे आपको निकाल लिया, तो इसका आंसर मिलेगा 30% से कम,
यानी 23 सही 1/3। इसका जो आंसर आपको मिलने वाला है दोस्तों वो क्या होगा, 23 सही 1/3, ये आपका परसेंटेज में आंसर होगा। समझना मैंने क्या बोला, ये कितना है 30% से कम है, यानी अधिक बोलना था इधर पे तो हमने कम निकालना है, तो 30 से कम ये आ गया, इसका आंसर 23 सही 1/3। बिल्कुल मौखिक आप ये टेबल को याद कर लें तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो भी बहुत इजी है। इस क्वेश्चन के मतलब है एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, समझना घटाया मतलब 10% कम किया गया, पूर्व मान में उसके पुनः लगाने के लिए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो इधर पे आपको क्या करना है, दाम को बढ़ाना है। अब सीधी सी बात है, अब यदि मैंने क्या बोला था आपको, कम बताया गया तो बढ़ाने निकालना है, और बढ़ा बताया गया तो कम निकालना है, मतलब वृद्धि और कमी। अब आपके लिए इधर पे घटाया गया कमी है तो आपको इधर पे कितने प्रतिशत बढ़ाना है यानी वृद्धि निकालना है, तो 10%। अब चार्ट में फिर देख लो दोस्तों कि देखो आपको चार्ट दिया गया, यानी ये जो चार्ट है ये 10% है, 10% से आपको अधिक, 10% से अधिक क्या है आपका 11 सही 1/9%, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 11 सही 1/9, इसका आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9%, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्या बोला 10% घटाया गया, अब इसको 10 घटाया गया तो आपने इसमें वृद्धि ले ली, वृद्धि ले ली तो 11 से 1/9 आंसर हो गया। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो प्लीज मुझे वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, मतलब 20% की कटौती मतलब कमी की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसकी कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अब वृद्धि करनी पड़ेगी तो यहां फिर देख लेते, उसने बोला कि 20% की कटौती कर दी, अब जब 20% की कटौती कर दी है तो हमें उसकी 20% की कमी, समझना, तो 20% की जो कमी है, 20% की कमी, तो 20% की कमी देख ले अपन चार्ट में, 20% की कमी दोस्तों देखो चार्ट आपका ये दिया गया है, कितना है 20%, ये है 20%, अब 20% से अधिक निकालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 25%, तो आंसर कितना होगा दोस्तों इसका 25%, यानी वृद्धि, यानी 20% की कटौती यानी 20% की कमी, तो कमी है तो आपको वृद्धि निकालनी है, तो 20% से ज्यादा, 20% ज्यादा कितना हो जाएगा 25%, तो ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, यदि आप देखना ये कम है तो आपको फिर ज्यादा मतलब वृद्धि निकालना पड़ेगी, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, मतलब आपको वृद्धि निकालना है। अब फिर चार्ट में देख लेते दोस्तों, देखना चार्ट में यदि आपको जो दिया गया है 33 सही 1/2 ये दिया गया, ये दी आपको कमी, तो इसकी वृद्धि निकालना, इसकी वृद्धि आपको क्या मिल जाएगी दोस्तों 50%, इसकी वृद्धि आपको मिल जाएगी 50%, ये 50% है जो आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन यदि कोई समझ में नहीं आया तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट में शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों शेयर आप करते हो तो किसी सामने वाले का भला होता है, और आप किसी की मदद करोगे तो आपकी जरूर कोई ना कोई मदद करेगा, जैसे मैं आज आपकी मदद कर रहा हूं। तो दोस्तों शेयर करके अपने दोस्तों की मदद जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए नमस्कार, आपका दोस्त अरविंद सुमन, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।